Hey, welcome back. What the fuck? Yes, this is the first ever face cam video on this channel. हाँ, मुझे पसीना आ रहा है क्योंकि कसम से हैंड ऑफ है. मुझे समझ नहीं आता कि मैं सेटअप कैसे करूँ, बट स्टिल हमने सेटअप कर दिया है. सो दिस इज काइंड ऑफ स्नीक पीक ऑफ माई सेटअप. हाँ, स्नीक पीक ही है. नेचुरल लाइट आ रही है. थैंक यू, बहुत मुश्किल से ये बैठाया है और मैं नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इस खड़ा कैसे करूँ. पता नहीं मैं ये बता भी क्यों रहा हूँ. तो रिसेंटली ना मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था फेस कैम वीडियोस सून, और कई लोगों की ना रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि भाई फेस कैम वीडियोस लाओ, फेस कैम वीडियोस लाओ, फेस कैम वीडियोस लाओ. तो मैंने कहा ठीक है यार, फेस कैम वीडियोस ला देते हैं. हालांकि मेरा प्लान था कि मैं एक अच्छा वेबकैम खरीदूं और बैकग्राउंड को भी काफ़ी अच्छा करूँ, लेकिन स्टिल ऐसे बात बनी नहीं. एंड हाँ, मैं अब अपने फ़ोन से कर रहा हूँ, वो भी काफ़ी गंदा जुगाड़ बैठा के. या भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ. लेकिन स्टिल मैंने सोचा एक वीडियो बना के देख ही लेते हैं. और आज के इस वीडियो में मैं तीन तरह के कॉमिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ. अगर तुम लोगों ने पिछला पार्ट देखा होगा तो उसमें तुम लोगों ने देखा होगा यार, मैंने सिर्फ एक ही इशू एक्सप्लेन किया, बल्कि मैं दो इशू एक्सप्लेन करता हूँ. तो इस वीडियो में मैं एक इशू एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद फेस कैम ऑफ कोर्स, और फिर नेक्स्ट वीडियो में दो दो इशू ही कवर करते जाएंगे. तो अब इस इशू का नाम क्या है? वेल, इस इशू का नाम है वाइल्ड बीस्ट ऑन द लूज. हाँ, मैंने ये देखा है एक्चुअल में. मैं भूल गया था. अब कॉमिक स्टार्टिंग में होता गया, तुम लोग पूछोगे. तो वेल, कॉमिक स्टार्टिंग में ये जो स्लेट की असिस्टेंट होती है ना, हाँ, ये इसके भी चमचे होते हैं और वो एक बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं. डोंट नो वाई, लेकिन हाँ, वो उसे ढूंढ रहे होते हैं और वो उनको मिल भी जाता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाएंगे. क्यों? क्योंकि तभी वहां पे स्टारफायर आ जाती है. तो वो रिट्रीट करते हैं. स्टारफायर वहां से शॉपिंग करके जा रही होती है और वो जो बच्चे को देखती है जो कि रो रहा होता है, और जो स्टारफायर कहती है ना, ब्रो सीरियसली ब्रो, स्टारफायर इज सो इनोसेंट. मतलब वो कहती है प्रंग दी लीग, यस आजू निकलना. इसमें तो मेरी आजू निकल गए. तो वो बताती है वो किस्सा अपने कि वो कैसे पहली बार मॉल में आई थी और वो भी खो चुकी थी, एंड वो काफी डर चुकी थी, लेकिन तभी टाइटन ने उसे देख लिया और तब से उसे इतना डर नहीं लगा मॉल से. लेकिन वो बातें बच्चे को बिल्कुल समझ नहीं आती है. तो स्टारफायर क्या करती है, उसे एक स्पोर्ट्स सेक्शन में ले चलती है और वो उससे ये बताती है कि जब मैं छोटी थी और रोती थी ना, तो मेरी गैलफोर, जिसे पता नहीं बीस्ट बॉय यहाँ पे नानी कहता है, वो मुझे उछालती थी और मुझे मेरे बाहों में पकड़ लेती थी और वहां से मैं चुप हो जाती थी. तो क्या पता तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो. और पता नहीं क्यों उसके आंसू रोकने के लिए स्टारफायर उसे एक स्विमिंग हेलमेट दे देती है. शी इज सो इनोसेंट ब्रो. और फिर वो बच्चा देखता है उस असिस्टेंट का एक चमचा स्टारफायर का सामान चरा के भाग रहा है, और जब वो उसे रोकता है वो एक वुल्फ में बदल जाता है. हाँ सीरियसली, एक वुल्फ में बन जाता है. स्टारफायर भी हैरान, वो बंदा भी हैरान. और जब उसके दोस्त उसे बचाने आते हैं, वो उन पे चलाते हैं और उन दोनों तीनों की फट जाती है. सीरियसली, वो जो वुल्फ होता है वो स्टारफायर को लेकर भागता है, लेकिन भाई पूरे मॉल में भाई भगदड़ मच जाती है. ये कौन सा भाई वुल्फ आ गया, ये किसका बच्चा है, शैतान बच्चा. तो स्टारफायर से उड़ाकर कहीं दूर ले चलती है, और फिर वो वुल्फ उसे हग करता है और स्टारफायर कहती है कि तू ना मुझे टैमरिन के मेरे एक पेट जिगी की याद ला रहा है, जो कि तुम्हारी तरह था पर थोड़ा एंग्री था और मुझे काफी शांत था. लेकिन फिर ब्लैक फायर ने उसे मार दिया. तभी वहां पे पुलिस आ जाती है और वो स्टारफायर को पीछे हटने को कहती है, लेकिन वो बीस्ट लिटरली इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो एक बड़ा बीस्ट बन जाता है. अबे ये तो अपना वाइल्ड बीस्ट निकला. अब तुम लोगों को नहीं पता वाइल्ड बीस्ट कौन है, तो आगे देखते जाओ, तुम लोगों को पता चल जाएगा. तो वाइल्ड बीस्ट उन पे अटैक करने लगता है, और जब वो पुलिस वाले उन्हें से शूट करने लगते हैं, तभी स्टारफायर सामने जाती है और स्टारफायर को गोली लग जाती है. वो वाइल्ड बीस्ट का भी गुस्सा होता है और उन पुलिस वालों को बेहोश कर देता है, और फिर अपनी स्टारफायर को लेकर चले जाते हैं मेडिकल रूम, जहां पर उस असिस्टेंट के चमचे भी आते हैं. और फिर टाइटन टावर में उनको ये चीज पता चल जाती है कि किसी बीस्ट ने अटैक किया है जहां पर स्टारफायर गई है. तो कई लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि यार स्टारफायर गई है, वो संभाल लेगी एक बीस्ट को. लेकिन जब रॉबी ये बताते हैं कि वो अपना वाइल्ड बीस्ट है, तो बीस्ट बॉय एंड साहिब को दोनों शॉक्ड हो जाते हैं. रेमो को समझ नहीं आता. लेकिन जब वो वाइल्ड बीस्ट स्टारफायर का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, तभी वो तीनों आ जाते हैं. और मैं इन्हें विलन्स तो बिल्कुल नहीं कहूंगा क्योंकि लिटरली इनकी सबसे शिट सुपर पावर है. लाइक क्या सुपर पावर है ये? पर लेकिन अपने टाइटन्स भी उस वक्त आ जाते हैं और वो तीनों को हरा देते हैं और असिस्टेंट को भी पकड़ लेते हैं स्लेट की. हाँ, काफी क्विक कर दिया यार. एंड रेवन स्टारफायर को हील भी कर देती है. जब रेवन पूछते हैं कि तुम लोग वाइल्ड बीस्ट को कैसे जानते हो, तो फिर बीस्ट बॉय एंड साइबोर्ग बताते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ हीरोज, हाँ ये वाला एपिसोड, इसमें रॉबिन इससे लड़ा था, बीस्ट बॉय भी लड़ा था, और रॉबिन ने एंड में सबको टाइटन के बैजेस दे दिए. तो रेवन एक बात कहती है, यार अपने डिलीवरी बॉय को भी टाइटन बना देता है, तो तुम लोग ठीक तो हो. ब्रो थिंग्स ही इज लूफी. बट स्टिल सब खुशमंगल हो जाता है. वाइल्ड बीस्ट द्वारा बच्चा बन जाता है, स्टारफायर की गोद में चला जाता है, और फिर
वो दोनों हंसते खेलते चले जाते हैं। लेकिन रॉबिन को शक पता है यार इसके पेरेंट्स कहाँ ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन साइबोग यही कहता है, हे बीस्ट बॉय, इस छोटे से बच्चे ने तेरी गांड मार ली थी। और इसके साथ इस कॉमिक का भी एंड हो जाता है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये पहली फेस कैम वीडियो पसंद आई, क्योंकि आई नो सेटअप इतने अच्छे नहीं है, यहाँ पे कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फेस कैम वीडियो बनाना चाहता था, तुम लोग मेरी फेस कैम वीडियो देखना चाहते थे। पता है मुझे काफी शिट फेस है मेरा, तो यार तुम लोग प्लीज इसे इग्नोर मार सकते हो। और अगर तुम लोग को फ्यूचर में भी ऐसी फेस कैम वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। और मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।